हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, एम आई ऑडिबल बच्चों? एम आई ऑडिबल बच्चों? सभी अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करो कि भाई आ जाओ, क्लास स्टार्ट हो गई है, कम एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी आ जाओगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, उतनी ही जल्दी हम क्लास स्टार्ट कर देंगे बच्चों। बुलाइए बेटे अपने दोस्तों को, सभी को, फिर विल स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हाँ, अब सही है, परफेक्ट। चलिए बच्चों, सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बारी कौन कौन बच्चा प्रेजेंट है भाई? अभी ठीक है। चलिए तो बच्चों, आज का टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कंफर्म है बच्चों कि यहां से सीबीएसई में पक्के से पक्का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पक्का कंफर्म 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है, न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल जरूर पूछा जाता है। चलिए जल्दी, 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ बच्चों, एक बारी अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करो कि क्लास स्टार्ट हो गई है बच्चों, क्योंकि आज की क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब ही सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दो। सर आवाज नहीं आ रही, एम आई नॉट ऑडिबल बच्चों? एम आई नॉट ऑडिबल बच्चों? हाँ, आवाज आ रही है। हाय शालिनी, हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम। चलिए तो बच्चों, जिसके यहाँ नहीं आ रही, प्लीज एक बारी नेटवर्क की प्रॉब्लम, नेटवर्क का देखो, माइट बी सम नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए गाइस, तो बच्चों आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास का टॉपिक है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दो बच्चों। देखिए, जितने मैक्सिमम बच्चे अपनी क्लास के बैठे रहेंगे ना बच्चों, बात यह है कि पढ़ाने का तरीका बहुत 0 लेवल से लेके हायर लेवल तक लेके जाएंगे, बट जब क्लास चल रही है तो वाई आर यू नॉट गाइज अटेंडिंग दी क्लास, ठीक है ना? जल्दी से जल्दी, लास्ट के 30 सेकेंड्स, एक बार सभी दोस्तों को बोलो कि आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, और ये जो लाइक का बटन है ना, इसको जरूर लाइक करो भाई, कर दो, शेयर कर दो इसको जितना कर सकते हो, वेरी गुड। चलिए तो शैल वी स्टार्ट बच्चों, आइए
तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों पोटेंशियोमीटर। देखिए पोटेंशियोमीटर बेसिकली बहुत एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लगाई गई, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर। जैसे कल हम लोगों ने मीटर वायर ब्रिज पढ़ा था, मीटर वायर ब्रिज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी किसकी बच्चों? व्हीटस्टोन, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। कि हमारे पास अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उससे हम लोग किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट करेंगे? किसी भी सेल का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। दूसरा, उस सेल का जो हम लोग कल बात कर रहे थे एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, याद करो एक छोटी सी कहानी बताई थी आपको कि नेगेटिव पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लेके आने के लिए जो बैटरी ने कार्य किया, दैट इज वर्क डन बाय बैटरी, दिस इज नॉन एज योर ईएमएफ। हमें जो मिलता है, जो हमें आउटपुट मिलता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। और जो वो लॉस होता है वो हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से लॉस होता है। तो हमें वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल या बैटरी कैलकुलेट करना आना चाहिए। देखिए कल की क्लास से हमने जो जो पॉइंट सीखे वो मैं बताता हूँ। कि बेसिकली हमने बोला कि रियलिटी में दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी, ये बैटरी का रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इनको बोला जाता है टर्मिनल्स, इनको बोला जाता है बच्चों टर्मिनल्स। तो यहाँ से हम करंट ले भी सकते हैं, यानी बेसिकली एनर्जी ले भी सकते हैं और एनर्जी दे भी सकते हैं। अगर इस सेल से एनर्जी ली तो हम बोलेंगे सेल डिस्चार्ज हो रही है, इस सेल को अगर हमने एनर्जी दी तो हम बोलेंगे सेल चार्ज हो रही है। तो एक रिलेशन देखा था हम लोगों ने, इसको वी ए, यहाँ का वी ए बोल देता हूँ, इसको वी बी बोल देता हूँ बच्चों। तो वी ए माइनस वी बी दिस इज इक्वल्स टू ई माइनस आई इंटू आर, एक रिलेशन ये देखा था बच्चों हम लोगों ने। और एक ये देखा था बच्चों वी ए माइनस वी बी दिस इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। और एक और देखा था हम लोगों ने बच्चों कि इफ आई इक्वल टू जीरो, इफ देर इज नो करंट इन दिस सर्किट, यानी हम लोगों ने देखा था कि अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ रहा है तो हमने वी ए माइनस वी बी को ई एम एफ ऑफ द सेल के बारे बराबर भी बोला था। अब ये वी ए माइनस वी बी इज नथिंग बट योर पोटेंशियल डिफरेंस। जल्दी बताइए बच्चों, क्या इतना चीजें समझ में आई थी आप लोगों को? क्या इतनी चीजें समझ में आई थी? हाँ, वेरी गुड, राइट। वाई फॉर यस एंड फॉर नो बच्चों, वाई फॉर यस एंड फॉर नो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास के बीच में ना अपना, जब मैं बोलूंगा सब बच्चे अपना नाम लिख देंगे, और योगेश आप उन सभी नाम्स का ना स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे हमारी क्लास की अटेंडेंस भी पता लग जाए, ठीक है? हाँ परफेक्ट, चलिए। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर। देखिए पोटेंशियोमीटर क्या होता है, सुनना आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैक्सिमम बच्चों को दिक्कतें आती है इसमें, तो प्लीज मेक श्योर आप बहुत अच्छे से क्लास को अटेंड करें। रिप्रेजेंटेशन मैं डायग्राम बताता हूँ पोटेंशियोमीटर, फिर इसका प्रिंसिपल बताएंगे कैसे देखते हैं। तो हमने बात करी, मान लो ये हमारे पास एक बैटरी है जिसको हमने नाम दे दिया ई नोट। ई नोट इसको बोला गया ड्राइवर बैटरी, इसको क्या बोला गया बच्चों? ड्राइवर बैटरी, दिस इज योर ड्राइवर बैटरी, ठीक है बच्चों? दिस इज योर ड्राइवर बैटरी, और इस ड्राइवर बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। तो बेसिकली एक ड्राइवर बैटरी है, ठीक है? अब इस ड्राइवर बैटरी से हमने ये दो टर्मिनल्स ले लिए, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। आराम से सुना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ठीक है? ये दो आए। अब जैसे कल हम लोगों ने मीटर वायर ब्रिज में देखी थी, एक मीटर की वायर होती है ना बच्चों, तो इसमें एक मीटर की हो सकती है, दो मीटर की हो सकती है, तीन मीटर हो सकती है, चार मीटर हो सकती है, पांच मीटर हो सकती है। तो बेसिकली यहां पर एक वायर को लगाते ए और बी के बीच में, दिस इज अ वायर। अब ये वायर है तो इस वायर का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा पूरी वायर का बच्चों, ऐसे बार बार नहीं बनाऊंगा बट अभी बना के दिखा रहा हूं कि ये वायर का रेजिस्टेंस है, दिस इज आर इंटू ए इंटू बी। आर ए बी क्या है इसका? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। मैं लिख भी देता हूं आर ए बी क्या है बच्चों, आर ए बी इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। देखो मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये चीजें समझ में आ गई ना तो कोई मुश्किल नहीं है, सर्किट थ्योरी आपको बहुत अच्छे से आती है, ये सब कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ चुके हैं, तो हमें तो इन सब का
मतलब कॉम्बिनेशन ही पढ़ना है अब यहाँ पे धीरे धीरे कि हम कैसे कैसे चीजों को अप्लाई करेंगे। दैट्स इट। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है बच्चों। और ये हमारे पास लेंथ आ गई, एल इज लेंथ ऑफ वायर, एल इज लेंथ ऑफ वायर। अब सुनो एक बार बताओ बच्चों, मान लो अगर मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है ना वो 10 ओम है। कितना है बच्चों? 10 ओम रेजिस्टेंस का वायर मान लिया कि यहां से लेके यहां तक जो रेजिस्टेंस है ना आर ए बी, दैट इज ऑफ 10 ओम, ठीक है बच्चों। और जो ये लेंथ है ना बच्चों, ये लेंथ मैंने अभी के लिए 1 मीटर मान ली, लेट्स से 1 मीटर की लेंथ मान ली। तो एक चीज आपको समझ में आ रही है यहां से कि जैसे इस पॉइंट पर मान लो यहां पर एल की वैल्यू 0 है बच्चों, और यहां पर चले जाएंगे तो एल की वैल्यू 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। भाई 100 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही तो होता है। तो आप एक चीज देख लो, जब जैसे ए से चलोगे बी की तरफ तो धीरे धीरे जैसे 1 सेंटीमीटर कवर किया, 2 सेंटीमीटर कवर किया, 10 सेंटीमीटर कवर किया, तो 10 सेंटीमीटर हम चले तो हमें कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड हुआ? भैया देखो सर, 100 सेंटीमीटर में 10 ओम है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर में 10 ओम है, तो 1 में कितना आ जाएगा सर? 1/10, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर में 1 हो जाएगा, यानी जैसे जैसे मैं चलते चलते 1 सेंटीमीटर पे आ जाऊंगा, मतलब 10 सेंटीमीटर पे आ जाऊंगा, तो जो मुझे रेजिस्टेंस ऑफर्ड होने वाला है ना, दैट इज ऑफ 1 ओम, दैट इज ऑफ 1 ओम। बात समझ में आ रही बच्चों? फिर 20 सेंटीमीटर पे आ जाऊंगा तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो विल रियलाइज जैसे जैसे हम लोग ए से बी तक चलेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो एक पॉइंट बताइए, मान लो इसमें करंट आई है बच्चों, करंट आई है, ध्यान से सुनना। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मैं अब इस वाले सर्किट को ऐसे बना लूं, दिस इज रेजिस्टेंस आर ए बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, करंट ऐसे चल रहा है। जल्दी लगाओ बच्चों पार्शियल केवीएल, जल्दी 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 पार्शियल केवीएल लगाइए। पार्शियल केवीएल क्या कहता है? वी ए, करंट जहां से एंटर करेगा वो प्लस, जहां से निकलेगा वो माइनस। तो माइनस आई आर ए बी इज इक्वल टू वी बी, ध्यान से देखो, वी ए माइनस वी बी दिस इज इक्वल टू आई इंटू आर ए बी। बच्चों अभी अभी क्या देखा है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस आर ए बी पे डिपेंड कर रहा है। आर ए बी क्या है? रेजिस्टेंस। और आर ए बी खुद किस पे डिपेंड कर रही है? लेंथ पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी जितना डिस्टेंस हम ट्रेवल करते चले जाएंगे उतनी ही लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो मैं यहां से कह सकता हूँ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जैसे जैसे मैं लेंथ में आगे बढ़ता चला जाऊंगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि आर इज डिपेंडेंट ऑन एल। जैसे जैसे आप आर की वैल्यू को, एल की वैल्यू को बढ़ाते चले जाओगे, आर बढ़ता चला जाएगा। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये चीजें समझ में आई आपको? क्या ये चीजें समझ में आई बच्चों आपको? राइट वाई फॉर यस एंड फॉर नो, राइट वाई फॉर यस एंड फॉर नो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जब ये सब चीजें हमें समझ में आ गई बच्चों, तो अब तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं बना। नाउ दिस इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। किसी भी वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है, वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चों जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटा के ना, विल राइट अ कॉन्स्टेंट एंड दैट इज के, दिस इज नोन एज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज नोन एज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है बच्चों। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या बना बच्चों? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट के, दिस इज इक्वल टू वी बाय एल। और वी क्या है बच्चों? वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो, और इस वायर की लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, ये याद रखो बच्चों। अच्छा अब जो ये सर्किट बना ना बच्चों, इस सर्किट को मैं दोबारा रीड्रॉ करता हूं जिससे आपको और अच्छा लगे। देखिए ये जो सर्किट बना ना बच्चों, इस सर्किट को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रहा हूं वो सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। हमें ना सबसे ज्यादा इस के पे एम्फसाइज करना, यानी वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट हर क्वेश्चन में। ये लगा लो अगर क्वेश्चन में पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको गिवन है,
तो समझ के चलना कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। इन केस अगर आपके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं है तो यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट। बात ही आती है पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकाले। हमेशा ध्यान रखना फॉर कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट वी हैव टू यूज दिस प्राइमरी सर्किट, दैट्स इट। हमें बस केवल और केवल इस प्राइमरी सर्किट का यूज करना है फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी के की वैल्यू निकालने के लिए। याद रखना ये पॉइंट, इसके नीचे मैं कुछ भी लगाऊं, कुछ भी सर्किट डायग्राम बनाऊं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, के हमेशा इससे निकलने वाला है। अब के की वैल्यू निकालते बच्चों, दिस इज ई नोट, दिस इज आर, दिस इज आर ए बी, ये वाली लेंथ आ गई एल। तो अभी अभी देखा के का फॉर्मूला है वी बाय एल, के का फॉर्मूला है वी बाय एल, और वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये, यानी यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस अभी तो लिखा था। ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन देखो, करंट मान लो यहां से आई करंट चल रहा है, तो आई करंट कितना आ गया बच्चों, आए यहां से प्लस ये माइनस, एंटर कराओ बच्चों, वी ए माइनस वी बी, दिस इज इक्वल टू आई आर ए बी। यानी अगर मैं के की वैल्यू निकालू तो के की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आई इंटू आर ए बी डिवाइडेड बाई एल। ऑब्वियसली वी ए माइनस वी बी तो वी है बच्चों, तो वी की वैल्यू मैंने यहां पे उठा के रख दी। अब बात यह आई कि आई कैसे निकालू, आर ए बी मुझे चलो पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे पता है, आई कैसे निकालू, तो आई के लिए क्या करो, अब देखो इस पॉइंट से स्टार्ट करो बच्चों, इस पॉइंट से स्टार्ट करो, घूम के इसी पॉइंट पर आ जाओ, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल, ये प्लस ये माइनस, करंट ऐसे चल रहा है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, जल्दी चलो यहां से स्टार्ट करो वी ए, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल, वी ए से स्टार्ट करो बच्चों, घूम के वापसी आओ, वी ए प्लस माइनस माइनस आई इंटू आर ए बी, फिर ऐसे चले प्लस से माइनस माइनस आई इंटू स्मॉल आर, माइनस से प्लस प्लस ई नोट, कहाँ पे पहुंचे बच्चों, वी ए, वी ए, वी ए विल कैंसिल आउट, तो ई नोट की वैल्यू देखो बच्चों, आई कॉमन ले लो, आर ए बी प्लस आर, आई निकालना है बच्चों हमें, तो ई नोट बाय आर ए बी प्लस आर, ये हमारे पास करंट आ गया बच्चों। नाउ पुट दिस वैल्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। Now put equation number 2 in equation number 1. Put 2 in 1. तो k की वैल्यू क्या होगी बच्चों, k की वैल्यू देखिए, k is nothing but i into rab divided by l. ठीक है ना बच्चों, i into rab divided by l. i की वैल्यू ये उठा के रख दो, k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, e नोट rab डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर इंटू वन बाय एल। ना ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। एक नंबर दो नंबर के न्यूमेरिकल तो यहीं से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जल्दी बताइए बच्चों, क्या जो पढ़ाया वो समझ में आया आपको, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे क्या जो पढ़ाया वो समझ में आया बच्चों, राइट बाय फॉर यस एंड फॉर नो। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो आपको कोई मुश्किल है ही नहीं, परफेक्ट सभी बच्चे, और वेरी गुड, परफेक्ट 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 परफेक्ट, सभी बच्चे अपना रिप्लाई भी कर देंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए बच्चों टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका, जल्दी डन। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए बच्चों, कि जब भी पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है तो देखिए हमें ई नोट पता होगा, आर ए बी पता होगा, आर पता होगा, एल पता होगा, तो वो सारे के सारे पैरामीटर्स ही हमें याद रखने हैं, दैट्स इट। चलिए अब जब ये चीजें समझ में आ गई तो इसकी पहली पहली एप्लीकेशन है बच्चों कंपेरिजन ऑफ ई एम एफ। अब देखो हमें बस सिंपली बात याद रखनी है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ कैसे करते हैं, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। आ जाओ, तो प्रिंसिपल हमें समझ में आ गया बच्चों, प्रिंसिपल हमें समझ में आ गया, तो आओ देखिए, तो अभी मैंने लिख दिया k की वैल्यू कितनी है बच्चों, e नोट आर ए बी बाय आर ए बी
प्लस आर इंटू वन बाय एल, ये फॉर्मूला याद रखना हमें। अब सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है बच्चों, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। अब सुनना, मैं फिर कह रहा हूं जैसा डायग्राम मैं बनाऊंगा वैसा ही आपको बनाना है, क्योंकि आपकी बुक्स में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम गिवन, तो वो डायग्राम बच्चे रट लेते हैं और बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में अगर छोटा सा भी कनेक्शन इधर से उधर कर दिया तो पूरा डायग्राम आपके लिए हो सकता है वो ठीक है, लेकिन फॉर अ टीचर वो पूरा कंप्लीटली गलत है। तो प्लीज मेक श्योर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब डायग्राम कैसे बनाना है, देखिए हमारे पास है ना ये एक सेल है बच्चों, इसका ई एम एफ ई वन रेजिस्टेंस आर वन, इसका ई एम एफ ई टू रेजिस्टेंस आर टू, बोला गया इन दोनों के सेल्स को कंपेयर करो, कंपेयर देख लेते कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अभी करना क्या है, सबसे पहले हमें सर्किट डायग्राम बनाना, प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट तो बनाओ। ये तो हमारे पास ई नोट है, ये हमारे पास आर है, अब ये दो फिक्स रहने वाली है बच्चों, दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी, और ये हमारे पास एक वायर है बच्चों, और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आर ए बी। अब देखो रेजिस्टेंस ना भी बनाऊं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ इस वायर के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मे बी 5 ओम, मे बी 10 ओम, मे बी 20 ओम, इट मे बी एनी ओम, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कोई उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सर बात क्या करना, देखो ये तो प्राइमरी सर्किट बना बच्चों, ये तो हर केस में ये सर्किट तो बनेगा क्योंकि बेसिकली पोटेंशियोमीटर है ये। अब इससे हम क्या यूज करने वाले वो एक सेकेंडरी काम है, तो क्या करो इस बैटरी को उठाओ कनेक्ट कर दो। अब कनेक्शन देखना आराम से, तो कनेक्शन के लिए आपको क्या करना है बच्चों, जिधर आपके पास ये हाइयर पोटेंशियल है ना ड्राइवर बैटरी का, जहां ड्राइवर बैटरी का हाइयर पोटेंशियल है उधर ही इन दोनों के हाइयर पोटेंशियल को कनेक्ट करना है, यानी यहां से एक वायर ऐसे लेके हमने इसको कनेक्ट कर दिया, दूसरी इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे। जल्दी बताओ इतना समझ में आया बच्चों, अब ये चीजें समझ में आ गई तो आपको एक चीज दिखाता हूं बच्चों, ध्यान से देखना। नाउ दिस इज नोन एज योर टू वे की, दिस इज टू वे की, ध्यान से देखो ये टू वे की है, ऐसे दिखती है आपके पास टू वे की, ठीक है। ये टू वे की का मतलब क्या है कि देखिए इसमें अगर मैं इसको प्लग इन कर दूंगा, ये की को लगा दिया और इसको दूसरी को भी लगा सकता हूं मैं, तो ये टू वे की का हम यूज करने वाले हैं यहां पर। ध्यान से देखो एक बारी, क्या इज इट विजिबल टू यू बच्चों, ध्यान से देखो बिल्कुल आराम से, चलिए वेरी गुड, ऐसी दिखाई देती है ये। अब जब ये ऐसी दिखाई देगी तो बच्चों हम लोग क्या करने वाले, देखो इधर तो हमने यहां पर है ना, अब इसका सिंबल देखो, ये एक ये एक ये लगा दिया, ठीक। फिर यहां पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा देना है बच्चों, गैल्वेनोमीटर के लाभ लोगों को दिखाया था, ये गैल्वेनोमीटर लगा देना है, और गैल्वेनोमीटर के साथ देखो गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल होंगे, एक लाल वाला और एक काले वाला, तो एक टर्मिनल को तो यहाँ पे लगा देना है और एक टर्मिनल जो बचेगा उसके साथ इस जॉकी को कनेक्ट करेंगे बच्चों, ये जॉकी को कनेक्ट करेंगे और इसको लगा देंगे। चलिए अब हमने एक दूसरा कनेक्शन जॉकी के साथ लिया और ये कनेक्ट कर दिया, ये लेंथ ऑफ द वायर है बच्चों एल। सिंपल सी बात क्या करनी है बच्चों, बहुत सिंपल सा फंडा बताऊंगा, देखिए इसको K1 नाम दे दो, इसको K2 नाम दे दो, दिस इज की K1 की K2, ये आपके पास E1 बना, ये आपके पास R1 बना, ये आपके पास E2 बना, ये आपके पास R2 बना। अब हम बात करेंगे इस वाले केस पे कि जब आपके पास नो करंट है तो V ही E के बराबर है बच्चों, आराम से सुनना बच्चों, V ही E के बराबर है इफ देयर इज नो करंट इन द सर्किट। अब बच्चों ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, देखिए अब पॉइंट नंबर वन, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन क्या करना है, प्रेस K1, यानी इस K1 को क्लोज कर दो, यानी की उठाओ और इसमें इंसर्ट कर दो और इसको ओपन ही रहने दो। अगर मैं दोबारा बताऊं तो ऐसे ये टू वे की है बच्चों आपके पास, तो एक को निकाल दो एक को लगी रहने दो, एक को निकाल दो एक को लगी रहने दो, तो जो लगी रही है वो तो कंप्लीट हो गया, जो ओपन हो गया वो जो जिसको निकाला गया वो ओपन हो गया, तो बेसिकली क्या हुआ हमारे पास हुआ क्या बच्चों, तो जो हमने क्लोज किया है प्रेस K1 एंड ओपन K2, ओपन K2। अब देखिए ये वाली सेल की टेंडेंसी है करंट को इस डायरेक्शन में घुमाने की, ये वाली सेल करंट को इस डायरेक्शन में घुमाएगी,
यानी अगर यहां से करंट आएगी, ध्यान से देखना, ये करंट, ये सेल ऐसे करंट पहुंचाएगी और ये सेल ऐसे करंट पहुंचाएगी, तो गैल्वेनोमीटर में एक चीज और समझ लो बच्चों, ये ई नॉट है बैटरी, ड्राइवर बैटरी, और ये ई वन है। तो कैलकुलेशन, ये एक एरर पूछा जाता है कि बेसिकली वही जैसे हम लोगों ने कल पोटेंशियोमीटर में करा था, मीटर वायर ब्रिज में किया था कि एक बार डिफ्लेक्शन राइट में आना चाहिए, एक बार डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आना चाहिए, तभी जीरो पे आएगा। सेम फैशन में यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए, सेम फैशन में यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए। याद रखना, जो ड्राइवर बैटरी है ना, ड्राइवर बैटरी का ईएमएफ हमेशा ई1 और ई2 के बराबर होना चाहिए, ई1 और ई2 से बड़ा होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। ड्राइवर बैटरी, ड्राइवर बैटरी क्या काम करेगी, सर्किट को ड्राइव करने का काम करेगी ना भाई। सोचो ड्राइवर बैटरी हल्की ले ली तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, फिर तो ये वाली बैटरी रोल में आ जाएगी, ये वाली बैटरी रोल में आ जाएगी, तो फिर कोई नल पॉइंट नहीं आने वाला। तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या होता है कि ड्राइवर बैटरी, मान लो ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो ये 2 वोल्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.3, इट में भी एनी वोल्ट, पहली बात। तो दूसरी चीज जो सेकंड एरर है, बच्चा क्या करता है, इसके पॉजिटिव को इसके, देखो पॉजिटिव हायर पोटेंशियल एक साथ है, तो बच्चा क्या करता है, रिवर्स कर देता है, रिवर्स करके भी नल पॉइंट नहीं आने वाला। तो नल पॉइंट के लिए कंडीशन ये दो, एक तो हायर बैटरी होनी चाहिए, यानी ड्राइवर बैटरी का पोटेंशियल, मतलब ईएमएफ स्ट्रॉन्गर होना चाहिए इसके कंपैरेटिवली, दूसरा इनके हायर पोटेंशियल ऐसे ही कनेक्टेड होने चाहिए। अब क्या होगा बच्चों, अब गैल्वेनोमीटर में ना नल पॉइंट ढूंढो, नल पॉइंट का मतलब समझ में आ गया कि इस वायर पे हमें जोकी को ऐसे स्लाइड कराना है, इस वायर पे जोकी को हमें ऐसे स्लाइड कराना है कि हमें नल पॉइंट मिल जाए। जैसे ही नल पॉइंट मिल गया, बस उसको बोल दो जे, मान लो ये जे या ए या सी या डी, जो भी पॉइंट आपको मानना है कि नल पॉइंट मिल गया। अब ये लेंथ हम देख लेंगे बच्चों, ये लेंथ हम देख लेंगे, ठीक है ना बच्चों। अभी सुनो, अब ये वो वाला पॉइंट है जहां पर करंट जीरो हुआ है, जहां पर करंट जीरो है तो मैं कह सकता हूं ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। तो इस वायर की ये लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बच्चों, ध्यान रखना। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है याद करो, अभी अभी तो देखा है, वी का फॉर्मूला के इंटू एल, वी का फॉर्मूला के इंटू एल, अरे यही तो वर्किंग प्रिंसिपल है बच्चों। ये लेंथ हमें यहाँ पे मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर मीटर लगा रहता है, तो ये लेंथ हमें मिल जाएगी, तो लेंथ हमें मिल गई, के हमें कैलकुलेट करना आता है इस वाले फॉर्मूले से, तो के निकाल लेंगे, लेंथ हमें नल डिफ्लेक्शन से पता लग गई कि कहां पर जीरो आने वाला करंट, तो के इंटू एल, तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी ए जे, तो वी ए जे का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, के इंटू एल, के हमें पता है, एल हमें मीटर से देख के समझ में आ जाएगा, इज इक्वल टू ई1, इज इक्वल टू ई1। Even क्यों बोला गया, क्योंकि करंट इन द सर्किट जीरो है, तो मैं ये V is equal to E के बराबर लिख सकता हूं, यानी E इस वाली सेल का EMF और वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जल्दी बताइए क्या ये पॉइंट समझ में आया क्या बच्चों, क्या ये बातें, ये पॉइंट समझ में आया बेटे, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, ये पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो भाई, ठीक है पवन बेनीवाल, पढ़ाई कर ले बेटे, जीवन में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आती है ना, पढ़ाई करो। चलो आप आ जाओ, अब जैसे प्रेस K1 क्या था, ओपन K2, अब क्या करो, K1 को ओपन कर दो, K2 को प्रेस कर दो भाई, K2 को ओपन कर दो, अब क्या करो, K1 को ओपन कर दो, ओपन K1 एंड प्रेस K2, प्रेस के टू, अब वही, अब ये वाला सर्किट रोल में आ जाएगा, फिर नल पॉइंट ढूंढो बच्चों। मान लो नल पॉइंट ये आ गया हमारे पास, चलो इसको L1 मान लेते हैं, अभी ये वाली लेंथ मान लो L2 आ गई, ये वाली लेंथ हमारे पास L2 आ गई, लेट्स से दिस इज लेंथ L2, तो ये L1 मान लेते हैं, ठीक है। अब L2 आ गई तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब ये वाला सर्किट रोल में आएगा, फिर ये वाला पॉइंट मान लो, ये जे पॉइंट माना था, ये जे डैश मान लेते हैं, फिर वही काम, आई जीरो है बच्चों, तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके ईएमएफ के बराबर होगा, यानी मैं लिख सकता हूं वी ए जे डैश इज इक्वल टू ई टू। अब वी ए जे डैश कितना हो जाएगा बच्चों, के इंटू ये वाली लेंथ एल टू मानी है, तो के इंटू एल टू दिस इज इक्वल टू ई टू। देखो दोनों इक्वेशन आ गई बच्चों हमारे पास, हमें कंपेयर करना, जब भी कंपेयर करना होता है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो, तो देखिए KL1 इज इक्वल टू E1,
KL2 equal to E2, तो KK will cancel out, तो L1 by L2, this is equal to E1 by E2. सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, याद रखना, क्योंकि एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहां से हो जाते हैं, कई बार बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? हाँ बोलो बच्चों, बोलिए बच्चों, जो भी डाउट है प्लीज। लेंथ तो भाई जी गिवन होती है, लेंथ गिवन होती है, बोल देगा वो पोटेंशियोमीटर इज हैविंग अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो ये लेंथ होती है ना, ये लेंथ यहाँ पर एक स्केल लगा रहता है बच्चों, एक स्केल है, 1 मीटर का स्केल रहेगा ऐसे, तो वो लेंथ देख लेंगे हम लोग कि नल पॉइंट कहाँ पर आया, 20 सेंटीमीटर पे आया, 40 सेंटीमीटर पे आया, 60 सेंटीमीटर पे आया, ठीक है? हाँ तो लेंथ भी पता लग जाएगी, कोई परेशान होने की बात नहीं है। जैसे हमने कल बताया नहीं था कि मीटर वायर ब्रिज पे 1 मीटर का स्केल रहता है, वो स्केल यहाँ पर भी रहेगा, आपको यहाँ पर नंबरिंग रहती है आपके पास ऐसे करते हुए, ठीक है? तो वो वहां से पता लग जाएगा हमें देख के। आ गया बच्चों समझ में? वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसकी सेकंड एप्लीकेशन है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। जल्दी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस पे चलते हैं। चलिए बच्चों वेरी गुड, आइए तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए अभी आपको ध्यान रखना है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, आराम से सुनना बिल्कुल तसल्ली से। बोला गया कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ सेल। अब जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूं कि बच्चों मान लो ये हमारे पास एक लोड रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, और यहां पर हमारे पास एक सेल लगा दी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। आराम से सुनना बच्चों, ठीक है? हमें बेसिकली क्या करना है, देखिए ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस होता है, ये लोड रेजिस्टेंस होता है बच्चों, लोड रेजिस्टेंस। चलिए अब हमें करना क्या है बच्चों, उस पे ध्यान देना। हमने बोला कि इसमें ना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ठीक है? तो सबसे पहले करंट निकाल दो, करंट करंट सर्किट में अभी आएगा, ये बेसिकली पोटेंशियोमीटर ही तो बना, ई नॉट आर आर ए बी, करंट की वैल्यू देखो डायरेक्ट क्या आ गई, करंट का वैल्यू होता है भैया वी बाय आर, और यहाँ पे वी ई के बराबर है ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, तो ये करंट आ गया। आराम से सुनना, अब यहां से यहां ए से बी पार्शियल केवीएल लगाओ, करंट ऐसे चल रहा है बच्चों, तो ये प्लस ये माइनस, चलिए तो वी ए माइनस आई इंटू आर दिस इज इक्वल्स टू वी बी, तो वी ए माइनस वी बी क्या बना बच्चों, ई आई की वैल्यू रख दो, ई इंटू आर बाय आर प्लस आर, परेशान मत हो ये वही है जो अभी कैलकुलेट किया था, ये वी है बच्चों, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज इक्वल्स टू ई आर, इस आर को इधर लेके आ जाओ मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लाई करो कैपिटल आर वाली टर्म्स को एक तरफ लेके चले जाओ, तो आर वी प्लस आर वी दिस इज इक्वल्स टू ई आर, ठीक है बच्चों? अब जब ये कैपिटल आर वी इधर चला गया तो यहां से आर वी बचा, दिस इज इक्वल्स टू ई आर माइनस आर वी, आर वी दिस इज इक्वल्स टू ई आर माइनस आर वी। चलिए अब यहां से क्या करो, आर की वैल्यू निकालो बच्चों, ई डिवाइडेड बाय वी माइनस वी डिवाइडेड बाय वी इंटू आर, ठीक है बच्चों? ये एक रिलेशन आ गया बच्चों हमारे पास, देखिए ई आर उसको उधर लेके चले गए, आर वी आर कॉमन ले लिया, तो आर दिस इज इक्वल्स टू ई बाय वी माइनस वन इंटू आर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है आपको कि देर इज अ रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड वी। अब ये रिलेशन में वी क्या है, ई क्या है, ई ईएमएफ ऑफ द सेल। अब प्लीज इन सब चीजों को ध्यान रखना है, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
कैपिटल आर, इस कैपिटल आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वी, वी ए माइनस वी बी, ध्यान रखना वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल आर। चलिए अगर करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में तो क्या ई और वी बराबर हो सकते? बिल्कुल भी नहीं हो सकते, या तो ई बड़ा होगा या ई छोटा होगा। ई और वी बराबर एक ही कंडीशन में होते जब करंट जीरो होता है। अब देखो, अब हमने क्या करना है बच्चों, वही सब काम, ये ई नोट, ये आर और ये आर ए बी, ये तो लगाना ही लगाना है, ये तो मेरे पास प्राइमरी सर्किट बना। अब जो बैटरी मुझे निकालनी है ना बच्चों, उस बैटरी का ईएमएफ यहां पे लगा दो। ध्यान से सुनना, दिस इज ई वन, दिस इज आर वन, और यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दे बच्चों, रेजिस्टेंस बॉक्स। आराम से सुनना बिल्कुल तसल्ली से, वही गैल्वेनोमीटर, वही लेंथ एल, वही पॉइंट ए, वही पॉइंट बी। अब हमें ये आर वन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आर वन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान से सुनो, पॉइंट नंबर वन वही है, ये के वन, ये के टू, पॉइंट नंबर वन वही है, प्रेस के वन एंड ओपन के टू। जल्दी बोलो, के वन को प्रेस करेंगे तो बच्चों हमें नल पॉइंट निकालना है। मान लो ये नल पॉइंट एल वन पर आ गया, नल पॉइंट लेट से एल वन पे आ गया, ये वाला पॉइंट जे हो गया, तो इफ देर इज नो करंट, नल पॉइंट आ गया ना बच्चों, नल पॉइंट का मतलब आई की वैल्यू जीरो, आई इक्वल टू जीरो एट जे, तो मैं लिख सकता हूं वी ए जे, दिस इज इक्वल टू वी ए जे, दिस इज इक्वल टू ई एम एफ यानी ई वन, और वी ए जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, के इंटू एल वन। ये पॉइंट ये तो वैसे ही है जैसे पहले पढ़ा था, लेकिन अब सेकेंड स्टेप देखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड स्टेप क्या करता है, प्रेस के वन एंड प्रेस के टू। अब के वन और के टू दोनों को प्रेस करना है, दोनों को प्रेस करना है, दोनों को प्रेस करो, फिर नल पॉइंट निकालो। मान लो ये नल पॉइंट जे डैश पे आ गया और ये लेंथ हमारी एल टू आ गई। अब समझना बच्चों, अब समझना बच्चों, देखो नल पॉइंट जीरो का मतलब क्या है भाई, इस कंप्लीट सर्किट में करंट जीरो हो गया है। बट ध्यान से देखो, ये वाला सर्किट, इस वाले सर्किट में तो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये सर्किट तो सर अब कंप्लीट हो गया है बच्चों। ध्यान से सुनना बच्चों, यहां से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो आर, तो याद करो ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट डिटो सेम एनालॉजी है, सेम एनालॉजी है। इस कंप्लीट सर्किट में, कंप्लीट सर्किट में करंट जीरो है बच्चों, लेकिन इस सर्किट में करंट चलेगा। इसको मैंने नाम दे दिया लोकल सर्किट। लोकल सर्किट का मतलब ये नहीं है कि ये सस्ते वाला सर्किट है, लोकल का मतलब कि इस छोटे सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब कितना करंट फ्लो करेगा, सबसे पहले वो निकालो, ध्यान रखना सबसे पहले वो निकालो, क्योंकि अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा तो मैं वी इक्वल टू ई के बराबर नहीं रखने वाला, ध्यान रखना प्लीज पे अटेंशन। तो सर क्या करें, मान लो इसमें आई वन करंट फ्लो कर रहा है, आई वन करंट, तो I1 करंट का फॉर्मूला वही हो जाएगा, E1 by R plus R1, देखिए E1 by R plus R1, तो I1 का फॉर्मूला निकल गया, I1 निकाल लो, तो find I1 in local circuit, find I1 in local circuit, क्योंकि इसमें करंट फ्लो करेगा भाई, ये तो कंप्लीट सर्किट बन गया, पूरा रास्ता मिल रहा है करंट को चलने के लिए, तो करंट फ्लो करेगा। जल्दी बताइए, इतना समझ में आया क्या, लोकल सर्किट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो चलिए बच्चों आ जाओ। अब हमने क्या बात करी, जब ये चीजें हमें समझ में आ गई तो अब हमने क्या करना, आई डैश निकाल दो, तो आई डैश निकालो बच्चों, आई वन की वैल्यू, आई वन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस, ये आर वन मान लो तो आर वन। जल्दी बताइए बच्चों, क्या इतना समझ में आया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब जब ये चीजें समझ में आ गई, अब हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है सर। देखिए अब बाबू, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना,
तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। देखो अब इस वाली रिलेशन का यूज करेंगे हम लोग, इस वाली रिलेशन का यूज करेंगे। आइए ये V क्या होता था, V क्या होता था सर, V है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो आप, जल्दी निकालो। इस पॉइंट को सी दे दो, इस पॉइंट का नाम डी दे दो। चलिए वी सी करंट ऐसे चल रहा है, आई वन ये प्लस ये माइनस, तो माइनस आई वन इंटू आर दिस इज इक्वल टू वी डी। जल्दी बताओ बच्चों ये समझ में आया क्या? बिल्कुल वही। अब आई वन की वैल्यू ये रखी, तो देखिए यहां से क्या गया, वी सी माइनस वी डी दिस इज इक्वल टू, आई वन की वैल्यू उठाओ यहाँ पे, आई वन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ई बाय आर प्लस आर वन इंटू आर। जल्दी बताइए बच्चों ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया आपको? चलिए अब जब ये चीजें समझ में आ गई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट मिलो जल्दी, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए अब जब स्क्रीनशॉट लेके हमें एक चीज समझ में आई, देखो अब ध्यान से आ जाओ बच्चों। अब देखिए जो कि इसका, अब सुना ध्यान से, ये लाइव वायर है बच्चों, देखो ये लाइव वायर है, तो ए और सी दोनों बराबर पोटेंशियल पर है। अब इस गैल्वेनोमीटर में भी करंट नहीं चल रहा, तो मैं कह सकता हूँ ये और ये भी सेम पोटेंशियल पर है। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि वी सी डी यानी वी सी माइनस वी डी का जो पोटेंशियल आया है, दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू वी ए जे डैश, या आप पोटेंशियल को पोटेंशियल के बराबर रख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ वी सी डी दिस इज इक्वल टू वी ए जे डैश, वी ए जे डैश। वी सी डी कितना है, वी सी डी तो अभी अभी निकाला है, देखो ई आर बाय आर प्लस आर वन दिस इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू कितनी आई बच्चों, के इंटू एल टू, के इंटू एल टू, के इंटू एल टू। जल्दी बताइए बच्चों ये चीजें समझ में आई क्या? मैं फिर क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ यहां से, ये न्यूमेरिकल की अप्रोच है। अगर न्यूमेरिकल इसी टेंडेंसी से करोगे तो आप लोगों को न्यूमेरिकल में वैल्यूज निकलती हुई दिखाई देंगी, नहीं करोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा ये कहता है सर अभी तो वी ई के बराबर रखा था, अब आप कह रहे हो वी ई के बराबर नहीं रख सकते, वो नहीं रख सकते बच्चों। रीजन भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि बच्चों इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा या तो ई छोटा होगा या ई बड़ा होगा, तो हम वी को वी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इस वाले पोटेंशियल ए जे डैश का पोटेंशियल सी डी के पोटेंशियल के बराबर है। जल्दी बताइए बच्चों क्या ये चीजें समझ में आई? दिस इज ई वन है बच्चों, ये ई वन है आपके पास, ये इवन है बच्चों आपके पास। चलिए जल्दी बताओ बच्चों ये समझ में आई? अब इवन की वैल्यू उठाओ ये रख दो। नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, पुट फर्स्ट इन सेकंड, पुट फर्स्ट इन सेकंड, जल्दी रखो बच्चों इवन की वैल्यू रखो। तो के एल वन आर दिस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय आर प्लस आर वन, अब के एल टू, देखो के विल कैंसिल आउट, के विल कैंसिल आउट। अब सोल्व कर लो बच्चों, इसको इधर लेके चले जाओ, तो एल वन आर दिस इज इक्वल टू एल टू इंटू आर प्लस एल टू इंटू आर वन। हमें ना आर वन निकालना है, हमें आर वन निकालना है, तो इसको इधर लेके आ जाओ, एल वन माइनस एल टू आर कॉमन ले लो बच्चों, दिस इज इक्वल टू एल टू इंटू आर वन, एल टू से डिवाइड कर दो, तो एल वन एल टू माइनस वन इंटू आर दिस इज इक्वल टू आर वन। देखिए बच्चे एक ये रिलेशन आ गया आपके पास, एक ये रिलेशन आ गया। ध्यान से देखो L1 L2 आप यहाँ से मीटर में से देख के, मतलब स्केल में से देख के पता लगा लोगे। R जो यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकाला, मे बी 5 ओम मे बी 10 ओम, तो वो भी पता लग जाएगा, तो हमें R1 की वैल्यू निकल आ जाएगी। जल्दी बताइए क्या बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल आपको समझ में आया? जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी से समझ में आया बच्चों आपको? वेरी गुड, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है बच्चों, तो देखिए यहां पर हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया। कल संडे है, कल को शाम को एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा बच्चों में, टाइमिंग वही रहेगा 7:30 या 8 के क्रॉस, बट वही है सब बच्चे अटेंड करेंगे, क्योंकि वो लास्ट सेशन रहेगा इस क्लास का। मंडे से विल स्टार्ट विद कैपेसिटर्स,
मंडे से हम कैपेसिटर को स्टार्ट करेंगे। तो ये मत समझना कि यहाँ पर हो गया दोबारा से रिपीट करूंगा, तो दैट इज नॉट डन। तो आप लोगों को क्या रखना है, बस आज क्लास करना है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर कंप्लीट हो गया तो अब आपको इस पे तैयारी करनी है। एक दिन लगाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, कोई परेशान होने की बात नहीं है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू। जाने से पहले अपना अपना नाम लिख दो जिससे मैं अटेंडेंस आपकी ले लूं। जल्दी, जय हिंद जय भारत। जल्दी अपना अपना नाम लिख दो बच्चों, सभी अपना अपना नाम लिख दीजिए, सभी सभी अपना नाम लिखो, जल्दी नाम लिखते चले जाओ और जाते चले जाओ, नाम लिखते जाओ और जाते जाओ। चलिए चलिए सभी बच्चे भाई, वेरी गुड, चलिए बच्चों सभी बच्चे। और डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो बच्चों, डू लाइक, जो ये थम्स अप दिखाई दे रहा है ना ऊपर, इसको लाइक भी कर दो। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए चलिए जल्दी।